चौबीस अगस्त को हमारा कार्यकाल खत्म। हमने अपनी कोशिश की कि 5 सालों में पूरे कॉलोनी के विकास में सफल कदम रखा। छोटे छोटे डिस्प्यूट को हमने दरकिनार करके सिर्फ कॉलोनी के डेवलपमेंट में ध्यान रखा और एक भावना थी मन में कि कॉलोनी को पीएलपी कॉलोनी को एक सर्वश्रेष्ठ कॉलोनी पूरे देहरादून में बनाई है और इसमें हम काफ़ी हद तक कामयाब हुए हैं। ऐसा वो भी अभी एक सेक्रेटरी साहब आए थे सुधीर शर्मा जी के बेटे की शादी में, जो सबसे पहले फाउंडर सेक्रेटरी थे जिन्होंने इसको बनाया, उन्होंने कॉलोनी को घूमा और कहते थे कमाल कर दिया। तो मैंने तो ये कहा कि साहब हमने तो आपकी सलाहें रखी हुई है, जैसा निर्देश था करते हुए कि नहीं आप बहुत बढ़िया। तो ये उनमें एक भाव थी जो जिसके वो इन्होंने कहा कि वाकई एक नया रूप इसको ये इस काम को हमने जो हमारी टीम है मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। ये गुप्ता जी का पूरे अकाउंट बनाते हैं, कोई हमसे पूछना लेना ड्यूज की बजाय हम फोन करते हैं व्हाट्सएप पे आ जाओ। ये कोई कहता है नहीं मैंने 8,000 पहले दिए थे, ये लेजर की शीट भेज देते हैं। हमने अपने साथ और लोगों को भी जोड़ा और जुड़ी हमारे साथ, क्योंकि ये कॉलोनी आपकी अपनी है। ये ऐसा नहीं है हमारी प्रतिपालन की हम बहुत जानते हैं, ये सबकी कॉलोनी है, आप दीजिए हमें हम और यह अपने सहयोग भी नहीं किया। किसी का कोई सहयोग है कोई कहना मेरा बहुत जानने वाला है, जैसे प्राची जी के और जब मैंने कई काम गवर्नमेंट के काम इससे पहले नगर निगम ने हमने तालमेल बना के रखा हुआ है। रामाजी थे हमारे सुनील उनियाल जी, इनसे हमने बड़े अपने संबंध बना के रखे हुए थे। विधायक जी से हमने बहुत संबंध बना के रखे हुए हैं, निषंक जी से बहुत अच्छे संबंध बनाए हुए हैं। अभी जो चुनाव में हमारी कोशिश है कि जो भी पार्टी कैंडिडेट होगा वो हम उन्हें यहाँ बुलाएंगे और हमारा पर्पज एक ही होता है यहाँ बुलाने का कि चलते चलते हम उन्हें ये कह दें कि यार थोड़ा हमारा ये काम है। ये काम इसलिए एक सबके साथ संबंध बना के कर रहे हैं कि कॉलोनी का काम आगे बढ़ जाए। धन्यवाद हुआ सुबोजा जी का, ए टी एम लगा हुआ है, इसके सहयोग से 1,20,000 रुपया रेंट उसका आता है। एफ डी का इंटरेस्ट उस एफ डी का इंटरेस्ट में उनका करीब 90,000 रुपया करीब रुपया, बाकी कुछ लोग इससे वो कंपाउंड हो जाता है इंटरेस्ट। और मेंटेनेंस का पैसा करीब करीब 4,60,000 रुपया है, तो फ्लक्चुएट करता रहता है, तो कभी जो पिछले ट्यूज है किसी को एक कम आ जाए वो हमारा पैसा आ जाता है। खर्चों में हमारा मेन खर्चा है 3,63,000 रुपये हमारी खर्चा हमारे गार्ड की है, जो दो गार्ड रखे हुए हमने बार बार रखे हुए, ये एक गार्ड कंपनी का है एक गार्ड पुराना है। बिजली का बिल है ये तो हमारी ट्यूबवेल चलता है इसका बिल, देखिए जितनी भी पोल लाइट है हमारे साथी ने पूछा था कि इतनी पोल लाइट जलाते हो तो इसका खर्चा का क्या। मैं इसको धन्यवाद दूंगा अग्रवाल जी को, इनके सौजन्य से जो उत्तराखंड का जो बिजली विभाग है उन्होंने उसे हमारे मीटर से हटा दिया, वो उनकी तरफ से कार्रवाई हो। हम सिर्फ जो ट्यूब लगती है नई ट्यूब लगेगी उसका खर्चा या जो मिस्त्री आएगा वो लगाने का खर्चा या ट्यूबवेल का बिल देते, ट्यूबवेल पे बिजली का बिल भी है और इसकी मेंटेनेंस भी है, साथ में कई बार पाइप फट जाती है, ये हमारे मोटे मोटे खर्चे हैं। ये बैडमिंटन कोर्ट बनाया हमने 61,000 रुपये करीब उसमें हमने खर्च किया और घास की सफाई घास की कटाई ये सैलरी है, वाली की सैलरी है और घास कटाते हैं पौधों की वो सैलरी है, स्वीपर की सैलरी है, इस तरीके से हमारा ये हमारी पुलिस की रिपोर्ट है जो मेरे आपके सामने है। ये हमारा पिछले साल का कि अनवांटेड लोग है ऐसा हमने भी एक बार टोका था मुझे प्राप्त है कि आसपास कई जगह पे अभी उनका हुआ है अनवांटेड लोग की एंट्री हो रहा है, हमारा उसमें
चलो अभी है, अगला खर्चा हमारा जो है कि उसमें तार फाड़ लगाई जाएगी, कांटे वाली तार लगाएंगे, एंगल लगाएंगे उसमें, और कुछ जो वॉल है यहाँ पर प्राची जी के इधर देवे गुप्ता जी के पास या दौलतमंद जी के साइड में, कई जगह ऐसा है कि मतलब दीवार फल्ला के आ जाए। हमने बाउंड्री बात पर जैसे जो पहले सराणा जी है, हाँ जी, इनके पीछे जो वॉल है बहुत बड़ी, उसमें हमने शीशे लगाए, लेकिन जो एस डी जी के लोग हैं जो उन्होंने ईंटें मार मार के शीशे को और वहाँ से एंट्री कर जाते हैं, तो उससे हमारी सेफ्टी को बढ़ा, हम एक गार्ड से नहीं एक्सपेक्ट कर सकते पूरी कॉलोनी में। तो हमने सोचा था कि या तो तार वार लगाई जाए, तो ये हमारी तार वार भी वो काट सकते हैं, तो हम उसका ये फेंसिंग लगाई जाएगी, रेडी ग्रिल लगाई जाएगी। ये खर्चीला काम तो है, लेकिन इससे हम लोगों की सेफ्टी बनी रहेगी, क्योंकि जो लोग ड्यूटी चले जाते हैं, खासकर हस्बैंड वाइफ भी चले जाते हैं, तो उनको खाली हो जाती है, घर भी खाली रहती है, कौन आ रहा घर में क्या बता। तो ये हमारा अगला वो है कि हम जो है इस काम को करेंगे, ये हमारा अगला प्लान है। साथियों, जो दूध साहब के सामने जो पार्क है, इसकी बड़ी बुरी हालत है, मुझे कई बार कहा है, तो इसमें हमने जो दीवार का खर्चा है, क्योंकि अब 9 इंच की दीवार नीचे से बनाकर ऊपर 6 इंच की दीवार और ऊपर फेंसिंग, यही करीब 2.25 लाख और फिर उसकी भराई, लेकिन हमारा विचार है इसको भी किया जाए, तो वो अभी तक उस पर तवज्जो नहीं दी गई, लेकिन अब हमारे विचार में है उसको भी दिया। और जो वी के जैन जी के सामने हमारा जो पार्क है, इसमें भी है कि इसमें जो हम इससे खूबसूरत पिलर बना के इसको आगे शोभा बढ़ाए, इससे अच्छा लगेगा। लेकिन अच्छा, ये करीब 8-10 लाख का प्रोजेक्ट है, लेकिन हम इसे अगले साल करेंगे, आप लोगों की परमिशन तो हम इसे करेंगे। साथियों, एक मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, लेकिन उससे पहले एक बात कहना चाहूँगा कि हमने जो ट्रांसफर फी 2 लाख रुपये रखी थी, वो तब रखी थी जब प्लॉट का रेट 40 से 50 लाख, अब इतना सुंदर मेंटेनेंस होने की वजह से, इतनी सिक्योरिटी होने की वजह से, अब प्लॉट के रेट 1 करोड़ से ऊपर, तो ये ट्रांसफर फीस जो है, जो संविधान हमारा कहता है कि ट्रांसफर फीस जो है ये 10% ऑफ द प्रॉफिट होनी चाहिए। प्रॉफिट का मतलब है आपने प्लॉट लिया हुआ 40%, और अगर आप प्लॉट को बेचने 1 करोड़ में, तो आपको कम से कम 9,60,000 रुपया सोसाइटी को देना, लेकिन तो 9,60,000 रुपया लेकिन वो ज्यादा था, वो ज्यादा था, तो इसको रखा गया इसे 2 लाख कर दिया, लेकिन अब क्योंकि ये रेट 1 करोड़ हो गया है और बड़े बड़े मकान 1.25-1.5 करोड़ के जा रहे हैं, तो क्यों ना हम भी इसको इसको पैसे को बढ़ा कर अपने कॉलोनी के काम में, ये एग्जीक्यूटिव है अभी पिछले दिनों पास हुआ है हमारे यहाँ, लेकिन वो जनरल बॉडी की मोहर चाहिए उसमें कि इसको कासम भी 2 लाख को बढ़ाकर 4 लाख कर। अभी इससे आप लोगों ने विचार करते हैं, नहीं मैंने ये बताया कि इसको आप लोग जो फाइनल करोगे, जो भी लोग अपने आप लोग बताएंगे सुझाव देंगे, फाइनल वही होगा जो जनरल बॉडी, और जो मेंबरशिप फीस है वो 11,000 से 21,000 का है, और जो सदर और परचेजर मंदिर के लिए 11,000 है वो 21,000। तो ये एक एग्जीक्यूटिव में पास हुआ था, तो मैं ओपन मंच करने जा रहा हूँ, आप लोग अपने अपने विचार दीजिए, जो आपको फैसला होगा, जो आपका डिसीजन होगा, उसी को हम अपने साथ ही महत्ता देते हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव को महत्ता देते हैं, आगे वर्किंग को महत्ता देते हैं। तो जहाँ तक हमारे सोसाइटी के कार्य के बारे में है, इस जो हमारा इस बार का जो चल रहा है, इससे पहले भी जो है पुरानी कार्यकारिणी ने भी काम किया था, उससे अच्छा काम वर्तमान कार्यकारिणी के प्रतिभानंद जी है, इनके द्वारा किया जा रहा है, इनके कार्य सभी के द्वारा सराहना समय समय पर की जाती है, और आज भी काफ़ी
साथियों द्वारा इनकी सराहना की गई, लेकिन कार्यों की गड़गड़ाहट बहुत कम रही है जो कि अच्छी नहीं है। काम करने वाले आदमी का मोटिवेशन मिलता है आपको और कुछ मोटिवेशन की आवश्यकता है। अगर जब तक आप अपने लीडर को मोटिवेशन नहीं देंगे तो उसकी थोड़ा सा कमी रह जाती है। पर दे या ना दे कुछ, गुड़ को गुड़ की डली दे दे, मोटिवेशन दे दे, उससे क्या है कि अगले बंदे में थोड़ी स्फूर्ति आ जाती है। देखिए बहुत जरूरी है, मोटिवेशन बहुत जरूरी है, प्रशंसा करना बहुत जरूरी है।